जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हमारा फिलहाल यहाँ तक काम हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, इतना मैंने बताया था, नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थर्ड पार्ट है, तो इस पार्ट में आपको मैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए व्यूवर से वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी आगे आपके लिए वीडियो ऐसी लाता रहूँगा। लाइक शेयर कमेंट भी करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं ये बोर्ड कस लेता हूँ, इतनी वायरिंग सब हो गई है इसकी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आता वायरिंग वायरिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें इसका सर्किट डायग्राम हम इसमें इसका आपको समझाएंगे। और तो दोस्तों ये डबल सप्लाई पे बोर्ड चलता है, इसके प्लस के दो कंडेंसर पैरलर कर रखें और माइनस के दो कंडेंसर पैरलर कर रखें, जिससे कि हमें इसकी जो ये हमारे 5 एम्पियर का पूरा बन गया है कैपेसिटर का, जो कि हमें एक्स्ट्रा पंच और बेस दे देगा जब हम इसको बेस इंक्रीज करेंगे जब इसका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इन वायरों को एक साथ बांध लेंगे, जिससे कि हमारा बोर्ड देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं वायर काट लेता हूँ दोस्तों। मैं इसमें टाई यूज़ नहीं कर रहा, एक टाई आती है प्लास्टिक की होती है, वो दोस्तों उसको एकदम खींचते हैं वो एकदम बन जाती है दोस्तों। मैं वो टाई यूज़ नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि मेरे को अब बाद में अगर चेकिंग करते टाइम दोस्तों कहीं तार वार टूट गया होगा तो मेरे को पूरी टाई खोलनी पड़ेगी, तो वो टाई थोड़ी मुश्किल से खुलती है, वायर आराम से खुल जाएंगे दोस्तों। फिलहाल मेरे पास अभी वायर ही है दोस्तों, टाई फिलहाल है भी नहीं दोस्तों, उसका पैकेट ही आता है पूरा, खुली नहीं मिलती है वो यहाँ कहीं पर मार्केट में। तो टाई का भी मैंने पैकेट नहीं लिया और मेरे को मिली भी नहीं थी वैसे भी वो। तो हम इसमें स्क्रू यूज़ करेंगे दोस्तों, ये स्क्रू हैं और हम इसमें स्पेसर लगाएंगे। ये तो स्क्रू मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, नट बोल्ट इसमें यूज़ नहीं कर रहा दोस्तों। स्क्रू का फ़ायदा ये है कि अब बिना नट बोल्ट के डायरेक्ट बोर्ड कस जाता है, ठीक है दोस्तों। नट बोल्ट में एक दिक्कत ये होती है कि उसको ज़्यादा हम टाइट कर देते हैं दोस्तों, तो बोर्ड वहाँ से टूट जाता है। और स्क्रू में भी यही है कि उसको भी ज़्यादा हम टाइट करते हैं तो दोस्तों, तो उससे भी बोर्ड हमारा टूट सकता है, बट उससे टूटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं जितना नट बोल्ट से होते हैं। अगर नट बोल्ट भी ध्यान से कसो तो बहुत बढ़िया है स्क्रू के मामले में, मतलब स्क्रू के कंपैरिजन में नट बोल्ट भी बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि जितने भी एम्पलीफायर है सब नट बोल्ट से कस के आते हैं। मैंने एम्पलीफायर जो बनाया है स्क्रू से कसा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्पेसर भी नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नट बोल्ट में हमेशा स्पेसर लगाने पड़ते हैं, बस उनकी यही कमी है और बाकी सब उसमें सही है। नट बोल्ट में कोई और दिक्कत नहीं है, बस उसमें हमेशा स्पेसर लगाने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें स्पेसर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते, ठीक है आपकी मर्जी है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है स्पेसर लगाने की दोस्तों। अब हम ये छोटे बोर्ड की सप्लाई में स्पेसर और नट बोर्ड लेके कस, मतलब इसका स्क्रू लेके कस रहे हैं दोस्तों, तो जिससे कि ये हमें छोटे बोर्ड को देखें। ये हमारी बड़ी सप्लाई है दोस्तों, इसमें दो कंडेंसर पैरलर करके लगा रखे हैं, मतलब 4 कंडेंसर है तो दो पैरलर करके, ठीक है दोस्तों। टेंगे नहीं दोस्तों, तो ये बांधने से हमारा ये फ़ायदा होगा दोस्तों, और देखने में बोर्ड अच्छा लगेगा कि एकदम प्रोफेशनल जैसे वायरिंग करती है, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे आप खुला रखोगे तो फिर दोस्तों तार इधर से उधर अगर कोई नेटवर्क कसते हैं तो तार वार कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे आपके एम्पलीफायर की शॉर्टेज सर्किट जो शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों वो हो जाएगा। आप इसकी सप्लाई में फ्यूज़ लगा सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी फ्यूज़ नहीं लगाए हैं, खाली ट्रांसफार्मर पर फ्यूज़ लगाए हैं दोस्तों। आप डीसी सप्लाई पर भी फ्यूज़ लगा सकते हैं इसके, तो दोस्तों देख सकते हैं। तो हमें पार्सल और नट डाल रहे हैं इसमें, ये दूसरे वाले नट बोल्ट मैंने इस्तेमाल नहीं करे, एक आते हैं नट और बोल्ट कस देते हैं दोस्तों। ये स्क्रू यूज़ करे इसमें मैंने, और नीचे वार्सल लगा दिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक काम हो रहा है बस ऐसी करके इसकी फिटिंग होगी। इधर से भी लगा लेते हैं हम दोस्तों, इधर से भी लगा लेंगे, इधर को भी देख सकते हैं, तो स्क्रू इधर को भी लगेगा, एक ऊपर लग रहा है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमें बराबर बराबर नटों को कसना है दोस्तों, ज़्यादा टाइट नट मत कस देना है स्क्रू जो है, वरना आपका जो पीसीबी है वो ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों एम्पलीफायर की हम चेकिंग कर लेते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा, मतलब शॉर्टेज हो रखी है, जैसे चलाते ही ख़राब हो जाए दोस्तों। तो मैं इसकी टेस्टिंग नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा दोस्तों, तो वीडियो को भी यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों, ये वीडियो बस अब नेक्स्ट पार्ट में इसकी टेस्टिंग होगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो बोर्ड बोर्ड हमने झाड़ लिया, पूरा कंप्लीट है, टेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत थैंक यू, मेरे चैनल पे अब 1000 सब्सक्राइबर हो गए और मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहे दोस्तों। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें दोस्तों। अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।